तो गाइस अगर हमें एक ये सीन देखने को मिल जाए तो ये सीन काफ़ी ज़्यादा कमाल का होगा कि डीन एम्ब्रोस रिटर्न करके रोमन रेस को ज्वाइन कर रहे हैं और ये सीन तो लाजमी हर कोई देखना चाहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं डीन एम्ब्रोस को WWE से गए हुए तकरीबन 5 साल हो गए हैं और अभी तक डीन एम्ब्रोस ने WWE में रिटर्न नहीं किया, लेकिन जो डीन एम्ब्रोस को चाहने वाले हैं, जो पसंद करते हैं, जो डीन एम्ब्रोस के फैंस हैं, वो काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं डीन एम्ब्रोस का कि डीन एम्ब्रोस आखिरकार कब रिटर्न करेंगे। लेकिन डीन एम्ब्रोस हैं कि रिटर्न करने का नाम ही नहीं। डीन एम्ब्रोस 2019 को यानी कि 2019 में WWE को छोड़कर AEW में गए थे और अभी तक स्टिल काम कर रहे हैं AEW में। लेकिन जो बहुत से फैंस चाहने वाले हैं वो ये चाहते हैं कि डीन एम्ब्रोस फिर से WWE कंपनी में आ जाए और फिर से रोमन रेंस या सेथ रोलिन के हमें साथ देखने को मिले, क्योंकि डीन एम्ब्रोस के दोस्त सेथ रोलिन और रोमन रेंस है। तो इस वजह से WWE फैंस ये चाहते हैं और मैं खुद यही चाहता हूँ कि डीन एम्ब्रोस बहुत जल्द WWE में रिटर्न कर जाए। लेकिन ऐसा होगा ये नहीं, ये तो खैर डीन एम्ब्रोस जानती है, लेकिन WWE चाहे तो डीन एम्ब्रोस को वापस ला सकती है। डीन एम्ब्रोस को एक अच्छी ऑफर दें कि जैसा वो चाहेगा WWE में उस तरह होगा जिस तरह यानी कि डीन एम्ब्रोस चाहेगा। क्योंकि डीन एम्ब्रोस ने मुझे याद है एक हाल ही के इंटरव्यू में कहा था आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले कि वो WWE में अगर यानी कि WWE उनको अच्छी ऑफर दे कि वो और उनको अपनी मर्जी करने दे कि जिस तरह डीन एम्ब्रोस चाहते हैं तो वो लाजमी सोचेंगे इस बारे में। तो ट्रिपल एच को चाहिए कि डीन एम्ब्रोस को कुछ इतनी अच्छी ऑफर दे कि वो मना कर ही ना पाए और फिर से हमें डीन एम्ब्रोस WWE में देखने को मिले, क्योंकि डीन एम्ब्रोस के बगैर WWE अधूरी है। और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर में हमें लाजमी डीन एम्ब्रोस WWE में देखने को मिलेंगे, क्योंकि डीन एम्ब्रोस की कैरियर शुरुआत भी WWE कंपनी से हुई थी, तो इस वजह से डीन एम्ब्रोस का रिटर्न करना तो तय है। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या आप लोग डीन एम्ब्रोस को रिटर्न देखना चाहते हैं, यानी मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लास्ट में बताना। तो गाइस मैं तो डीन एम्ब्रोस का रिटर्न देखना चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि जब डीन एम्ब्रोस रिटर्न करे तो वो ट्रैवल चीफ रोमन रेस को ज्वाइन करें या कन्फ्रंट करें, जो भी कुछ करें लेकिन रोमन रेस को ही कन्फ्रंट करें। और गाइस जाते जाते एक और बार बता देता हूँ, अगर डीन एम्ब्रोस WWE में रिटर्न करते हैं तो WWE के हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा कमाल का मोमेंट बन जाएगा और वो एक हिस्ट्री क्रिएट कर देगा ये मोमेंट जब डीन एम्ब्रोस WWE में जब भी रिटर्न करेंगे। तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग डीन एम्ब्रोस को मिस करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लास्ट में बताना। तो गाइस बस आज के इस वीडियो में यही छोटी सी अपडेट थी।